की नगरी मथुरा में एक स्वास्थ्यकर्मी ऐसे भी हैं जो कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद विषम परिस्थितियों को देखते हुए घर से ही विभाग का कार्य करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब हो कि कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली समेत कई राज्यों में अपना कहर दिखा रही है। इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस संक्रमण का कहर जनपद मथुरा में भी देखा जा सकता है। जनपद में भारी संख्या में संक्रमित मरीजों को प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कोरोना ने अपनी चपेट में अब स्वास्थ्य कर्मियों को भी लेना शुरू कर दिया है। जिले में कई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वहीं इस कोरोना की चपेट में सीएमओ कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत जितेंद्र सिंह भी आ गए हैं। वह इस समय होम आइसोलेशन में रहकर भी अपना कार्य बखूबी निभा रही हैं। जनपद में प्रतिदिन निकलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बुलेटिन उन्हीं के द्वारा जारी किया जा रहा है। इस समय कोरोना वायरस ने चारों तरफ आहाकार सा मचा रखा है और इस कहर के चलते जनपद मथुरा भी अछूता सा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां मथुरा में प्रतिदिन ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, तो वहीं जिला प्रशासन भी जनपद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के अंतर्गत मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोरोना ग्रस्त मरीजों के लिए जनपद में 1200 से अधिक बेड जिले में अवेलेबल है, जिसमे 600 करीब ऑक्सीजन वाले बेड है। वहीं 300 से 400 बेडों की और व्यवस्था की जा रही है, जो कि 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऑक्सीजन बेड एवं वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। अभी जिले में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं और जिले में इस समय पर्याप्त ऑक्सीजन है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार सभी लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन कराने की अपील की है। वही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिले में अभी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। सर, कोविड को लेकर किस तरीके से जनपद में चल रहे, लगातार लोग मरीज अभी भी भटक रहे हैं तमाम प्रयासों के बावजूद? जनपद में इस समय पर विभिन्न हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में चिन्हित किया गया है। हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, KD मेडिकल कॉलेज और KM मेडिकल कॉलेज। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, हमारा नैति मेडिसिटी हॉस्पिटल है, 100 शैया वृंदावन है, और इसके अतिरिक्त 2 और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में चिन्हित कर लिए जा रहे हैं। हमारे पास लगभग 1200 से अधिक बेड्स की इस टाइम पर क्षमता है जनपद में, जिनमें से 600 से अधिक बेड्स हमारे ऑक्सीजन के हैं। इनमें ICU बेड्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं और सभी मरीजों की पर्याप्त रूप से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके, उनको पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए पर्याप्त संसाधन जनपद में है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई निरंतर सुनिश्चित जनपद में की जा रही है। प्रत्येक दिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शासन के द्वारा विभिन्न टैंकर्स के द्वारा पहुंच रही है और इसके माध्यम से हॉस्पिटल्स में पहुँचाई जा रही है। हमारे कोविड मरीजों का सही तरीके से इलाज हो सके, उसके लिए पर्याप्त संसाधन जैसे वेंटिलेटर्स, हाई फ्लो नेजल कैनुला, बाईपैप और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की पाइपलाइंस वाली जो सुविधाएं हैं वो भी हैं, और जल्द ही अगले 300 से 400 बेड्स अगले 3-4 दिनों में और ऐड किए जाने का प्रोविजन चल रहा है। IUCL का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसको ऐड किया जा रहा है। ब्रज चिकित्सा संस्थान वो भी लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल, उसको भी तैयार किया जा रहा है। सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन वहाँ पर बिछ रही है और साथ ही साथ हमारा जो पागल बाबा हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी लगाने के जो है ऑर्डर्स निर्गत हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर भी सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन की सप्लाई करके इस प्रकार से आगे आने वाले 3-4 दिनों में लगातार 300-400 बेड्स और बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस चीज़ को इंश्योर कराया जा रहा है।